हेलो दोस्तों, स्वागत है डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे प्राइमिंग और फॉर्मिंग के ऊपर कि आखिर प्राइमिंग और फॉर्मिंग क्या होती है, किन वजह से ये होती है और क्या क्या रेमेडीज है जिसकी वजह से हम इनको रोक सकते हैं। तो प्रीवियस लेसन में हमने बात करी थी कि अगर हार्ड वाटर को डायरेक्टली हम बॉयलर के अंदर डाल देते हैं तो उसकी वजह से प्राइमिंग, फोमिंग, स्लज स्केल फॉर्मेशन एंड कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइमिंग के ऊपर कि आखिर प्राइमिंग क्या होती है, ठीक है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और क्या क्या वजह है जिससे प्राइमिंग होती है, वो सारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमिंग होती क्या है। ठीक है, तो प्राइमिंग हमारी क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। क्या एक वेट स्टीम, नाम से आप समझ गए होंगे, स्टीम का मतलब आपको पता है, वेट का मतलब एक गीली, मीन्स बोल सकते हैं ऐसी स्टीम जिसमें थोड़ा सा क्या मॉइस्चर हो। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज कॉल्ड एज प्राइमिंग। क्लियर है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि वेट स्टीम का बनना ही हमारा प्राइमिंग कहलाता है। क्लियर है, अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, क्या प्राइमिंग की वजह से हमारे क्या बोल सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ प्राइमिंग एफिशिएंसी एंड लाइफ ऑफ मशीन पार्ट्स डिक्रीजेस। प्राइमिंग की वजह से क्या होता है, जो एफिशिएंसी है और जो लाइफ है किसके मशीनरी पार्ट्स की, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो हमारी वेट स्टीम होती है उसके अंदर कुछ कंटेंट जो कि मॉइस्चर फॉर्म में होता है, हालांकि स्टीम है तो उसमें पूरा का पूरा ही वाटर होगा, लेकिन वेट स्टीम मतलब थोड़ा सा समझ गए होंगे आप लोग, उसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी एक तो, और जो लाइफ रहेगी किसी भी मशीनरी पार्ट्स का वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये क्यों होता है, तो प्राइमिंग हमारी ज़्यादा वाटर लेवल की वजह से होता है एक तो, कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया उसकी वजह से भी प्राइमिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ फोम्स ऑन द सरफेस। फोम जो हमारा, जैसे बॉयलर का सरफेस रहेगा, ये बॉयलर का सरफेस है, इतना इसमें वाटर भरा है, अगर यहाँ पर कुछ फोम्स बन जाते हैं तो इसकी वजह से भी हमारी प्राइमिंग होती है। क्लियर है, नेक्स्ट जो है हाई स्टीम वेलोसिटी। अगर स्टीम यहाँ से जो रहेगी वो निकल रही है, जैसे सपोज यहाँ से स्टीम निकल रही है, अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी तो भी हमारी क्या होगी, प्राइमिंग होगा। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से प्राइमिंग होती है, और प्राइमिंग क्या होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं फोमिंग की। ठीक है, तो जैसे हमने प्राइमिंग देखा वैसे ही फोमिंग भी अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फोमिंग का क्या मतलब है, फोमिंग का कुछ मतलब नहीं है, सीधी सिंपल सी बात कि स्टेबल बबल्स, मतलब ऐसे बबल्स जो कि फूटे ना, टूटे ना। ठीक है, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज फोमिंग। जैसे कि ये अगर हमारा बॉयलर है, ये यहाँ तक वाटर भरा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, अगर कुछ बबल्स बन जाएंगे यहाँ पर, ये बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टेबल बबल्स का फॉर्मेशन ही फोमिंग कहलाता है। ये जो ब्लू कलर से जो बबल्स बने हैं इसका फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, फोमिंग कहलाता है। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि दिस बबल्स आर कैरीड ओवर बाय स्टीम लीडिंग टू एक्सेसिव प्राइमिंग। इनकी बबल से ही, इन बबल्स की वजह से ही एक्सेसिव प्राइमिंग होती है। ठीक है, प्राइमिंग क्या होता है मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है इससे पहले ही। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आखिर फोमिंग क्यों होता है। तो फोमिंग हमारा होता है कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक अल्काली मेटल, सॉल्ट एंड ऑयल्स, इनकी वजह से। ठीक है, मींस जो फोमिंग है हमारी हो रही है किसकी वजह से, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की वजह से एंड अल्काली मेटल सॉल्ट्स जो कि हमारे प्रेजेंट है किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोमिंग को हम रोक सकते हैं किसकी वजह से, एंटी फोमिंग एजेंट का यूज़ करके। जो एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं लाइक सिंथेटिक पॉलीएमाइड्स। क्लियर है, तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
फॉर्मिंग को रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मिंग, प्राइमिंग और फॉर्मिंग दोनों क्लियर हो गया। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। प्राइमिंग मीन्स जो वेट स्टीम रहेगी, ठीक है, वेट स्टीम, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज नोन एज व्हाट, प्राइमिंग। एंड फॉर्मिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केल और स्लज की, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।